हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ललित और आज हमारे पास है रियलमी बैन 2, जिसे हम करेंगे अनबॉक्स। देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें खास मिलने वाली हैं, क्या है इसकी KSPs। तो गाइस चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं डिजाइन। रियलमी बैन ये मैं पहले ही खोल चुका था, तो मैंने अपने फोन से कनेक्ट भी कर लिया है। ओके, तो इसे हम साइड में रखते हैं, देखते हैं इसका चार्जर हमें कैसा मिल रहा है। मैग्नेट चार्जर, यानी कि हमने इस पे ये रखा और ये कनेक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं के इन्हें हम रखते हैं साइड में। अब हम आते हैं अपने बॉक्स पे कि हमें इस बॉक्स पे क्या क्या चीज़ें हाइलाइट्स मिलती हैं। तो गाइस रियलमी बैन 2 जिसका टैगलाइन है बिग ऑन फिटनेस, और यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है 3.5 सेंटीमीटर 1.4 इंच का TFT LCD पैनल। तो आगे चल के इसके डिस्प्ले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, 90 स्पोर्ट्स मोड है, और वाटर रेसिस्टेंस के भी काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें मोड्स दिए हुए हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। गाइस 12 दिन का बैटरी लाइफ बहुत अल्टीमेट, मतलब 12 दिन काफ़ी होते हैं, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पे हमें मिलने वाला है। वाटर रेजिस्टेंस अप टू 50 मीटर्स, स्मार्ट AIoT कंट्रोल। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारे बैंड की डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। ओके, अच्छी है। और जो स्ट्रैप है इसकी, स्ट्रैप की क्वालिटी कैसी है। ओके, तो गाइस हम इसकी डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.4 इंच का TFT LCD लार्ज कलर डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन है 167x320, 167x320 का इसमें रिजोल्यूशन मिलेगा। और गाइस इसका जो पीक ब्राइटनेस लेवल है वो है 500 nits, यानी कि इसका जो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो बहुत अल्टीमेट है। 500 nits काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रैप की, तो स्ट्रैप इसका जो है, ये स्ट्रैप है काफ़ी स्मूथ है, मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, स्किन फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इसे अगर आप बांधते हैं, मेरे हाथ से रियलमी वॉच एस प्रो बांधा है, तो इसका स्ट्रैप भी काफ़ी अच्छा था, पर इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप इसे हाथ में बांधते हैं तो इसमें आपको इचिंग वगैरह नहीं होगी, बहुत अच्छा है। गाइज अब इसके डायल फेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं 50+ डायल फेसेस, यानी कि अगर आप डेली एक नया डायल फेस लगाते हो, तो आपको जो पहले वाला डायल फेस आपने लगाया, तो उसे रिपीट करने में कम से कम 1.5 मंथ्स लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके हार्ट रेट मॉनिटर के बारे में। गाइज इसमें एक नई चीज़ दी है कंपनी ने, नया सेंसर लगाया है, वो कौन सा है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर के इसमें जो लगा है वो है एडवांस GH3011। तो यहाँ पे हमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग एग्जैक्टली मिलने वाली है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर हमें यहाँ पे मिलेगा, स्लीप डिटेक्शन हमें मिल जाएगा यहाँ पे, रात को हम कितनी देर सोते हैं, कितनी देर हम डीप स्लीप में थे, कितनी देर हम लाइट स्लीप में थे, वो सारी चीज़ें ये एनालाइज करके देगा रियलमी बैन 2। और अगर मैं इसके बात करूँ स्मार्ट AIoT कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे आप गाइस आपने देखा था रियलमी बैंड में भी था हमारे, हम म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं। म्यूज़िक कंट्रोल के साथ साथ हम कैमरा कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ पे भी हम करेंगे। और यहाँ पे आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू अपनी AIoT भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्मार्ट AIoT कंट्रोल करना चाहते हैं आप, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके बात करूँ वाटर रेसिस्टेंस की, तो गाइस अप टू 50 मीटर्स तक ये वाटर रेसिस्टेंस सपोर्ट है, यानी कि आप इस बैंड को पहन के, रियलमी बैंड 2 को पहन के स्विमिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं, स्विमिंग करते हैं, और वाटर रेसिस्टेंस ना होने की वजह से आपको बैंड उतारना पड़ता है या स्मार्ट वॉच उतारनी पड़ती है, तो इसका सॉल्यूशन है रियलमी बैंड 2। इसे पहने पहने आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है स्विमिंग मोड। तो इसकी अगर हम अब बैटरी बैकअप की बात करें, तो
तो इसमें 204 एमएच का आपको बैटरी मिलेगा जो कि 12 दिन का बैकअप देता है गाइस। ये बहुत अच्छा बैकअप होता है 12 दिन का। ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।